हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक हेयर कट जिसमें मैं दिखाने वाला हूँ। एक्चुअली ये हेयर कट लंबे बालों पे और ड्राई हेयर में करने वाला हूँ, तो इसको आप लॉन्ग स्टेप्स बोल सकते हैं। और ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा बाकी हेयर कट से जो अभी तक हमने किए हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने ड्राई गीले नहीं करने हैं, ये बाल ड्राई में काटने वाला हूँ। एकदम ईजी वे है ये सिखाने का। तो अभी तक जिन लोगों ने ये हेयर कट नहीं देखा है तो प्लीज ये रेकमेंड कर दें अपने सब फ्रेंड्स को। हम लेंथ अकॉर्डिंगली रखेंगे जितना चाहिए, क्लाइंट से पूछेंगे अगर उनको कितना लेंथ कटवाना है उसी हिसाब से लेंथ काटेंगे हम। यहाँ पे ये हेयर लेंथ आपको ध्यान से देखते हुए ही कट करना है। एक मैंने स्ट्रेट लाइन पैरामीटर बना लिया है, मैंने बॉक्स का एरिया लिया है यहाँ पे। अब देखिएगा जरा ध्यान से, मैंने पूरे बालों को पकड़ा है, एकदम 90 डिग्री पे लेके आना है, बट मैं काटूंगा नहीं। मैं ऊपर वाला बॉक्स एरिया भी पहले स्ट्रेट लेंथ में काट लूंगा, बॉक्स एरिया भी मैं स्ट्रेट लेंथ में काट लूंगा, स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर लूंगा। दोनों साइड के बाल जो बड़े हैं उनको भी हम काट लेंगे। तो यहां पे एक्चुअली हम ये हेयर कट दिखा रहे हैं उन लोगों को जिनको स्टेप्स हेयर कट या लॉन्ग स्टेप्स का नॉलेज नहीं है, उनके लिए है और थोड़ा सा डिफरेंट भी है और इजी भी है। तो मैंने पीछे का जो पोर्शन था मैंने स्ट्रेट कट किया था, उसको बांध लिया है। मैंने फ्रंट के हेयर्स लिए हैं हाफ ऑफ द आईब्रो वाले, दोनों बॉक्स एरिया जिसको हम बोलते हैं, एक लेंथ डिसाइड करेंगे हम, काट लेंगे लेयर हेयर कट में। इसको स्ट्रेट लाइन काटेंगे नोज के सामने, अदर साइड के बाल सारे पकड़े एक ही बार में। इनको बाल हैवी दिखने जरूरी है क्योंकि बाल पतले हैं, उसकी वजह से इनके बाल बहुत पतले दिखते हैं। यहाँ पे हम स्लाइड कर रहे हैं अपनी सीजर को हेयर के ऊपर, इसको स्लाइसिंग बोल सकते हो आप, स्लाइडिंग बोल सकते हो, इसको काफी सारे नाम है, अलग अलग लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स कैरियर लिया, उसको 90 डिग्री पे कट किया, इसको मैंने बांध लिया। अभी पीछे वाले बाल लेंगे हम, उनको बॉक्स कैरियर लेंगे, यहाँ पे काटना स्टार्ट करूंगा। पहले मैं लूंगा बॉक्स के एरिया को, तो ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा, जितने बाल मेरे पास रहेंगे बॉक्स के एरिया सारा पकड़ लेना है मुझे, फ्रंट से लेके बैक तक अच्छे से कॉम करूंगा। देखिएगा एकदम इजी हेयर कट है, मैंने फ्रंट और बैक का गाइडलाइन देखा, ये बैक का गाइडलाइन है ये फ्रंट का, तो बीच के जितना भी पोर्शन है उसको मैंने कट कर दिया। जस्ट ये मतलब एकदम इजी हेयर कट है, मैंने बॉक्स का एरिया काट भी लिया और फुल स्टेप्स आ गए हैं इसमें, जिसको बोलते हैं हम लॉन्ग स्टेप्स। तो यहाँ पे अभी ईयर के लेफ्ट साइड के हेयर्स लूंगा मैं, सेम उसको काटूंगा। जस्ट देखते रहिए, मतलब जितने भी बाल आपके रह जाते हैं उन सबको पकड़ के आपको उसी डायरेक्शन में लेके जाना है जिस डायरेक्शन में हमने बॉक्स एरिया काटा है। तो हमारे पास गाइडलाइन ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है बॉक्स एरिया में, आप देखिएगा फ्रंट के हेयर्स भी हम उसी तरीके से काटेंगे। उसको ऊपर लेके जा रहा हूं, मैंने कट किए एक्स्ट्रा बाल, अभी बैक के हेयर्स लिए। अगर आप इस तरीके से बाल काट लेते हो ना, आई डोंट थिंक आपको अभी इसके बाद किसी भी हेयर कट की जरूरत पड़ेगी जो कि लॉन्ग स्टेप्स है। तो ये बेस्ट हेयर कट है अभी तक का लॉन्ग स्टेप्स में, विद इन अ 5 मिनट ये हेयर कट हो भी चुका है और आप इसमें ड्रायर भी स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं फ्रंट के हेयर्स एक बार चेक कर लूंगा, कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा बाल तो नहीं है, तो उनको हम कट कर लेंगे उसी तरीके से। अदर साइड भी मैंने एक्चुअली बैक के हेयर्स, ए सेक्शन जो हम लेयर में बनाते हैं वो लिया है, तो उसको हम अच्छे से चेक करके जितने भी एक्स्ट्रा हेयर्स हैं उनको काट लेंगे। तो यहाँ पे ये बाल कट चुके हैं, अभी हम इसमें कर लेंगे ड्रायर। तो मैंने बॉक्स का एरिया बांधा, विद इन 10 मिनट्स ये हेयर कट कंप्लीट हो जाएगा। आप देखते रहिएगा मैं कैसे ड्रायर करता हूं। यहां मैंने क्राउन वाला सेक्शन लिया, उसको भी क्लिप कर दिया। तो दो सेक्शन मैंने क्लिप किए हैं, बॉक्स एरिया एंड क्राउन एरिया, जो कि हाफ मून सेक्शन है। अभी मैंने फ्रंट के एक साइड के बाल लिए, उनको अच्छे से रूट से स्ट्रेट करना स्टार्ट किया। थोड़े से बाल गीले कर ले जब भी आप ड्रायर करें, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अगर आप ड्रायर अच्छे से करते हो तो आपका हेयर कट बहुत अच्छा दिखेगा। तो मैंने यहां पे क्या किया, इन बालों को छोटा वाला ब्रश लिया, उसमें एंड्स में आउट कर्ल्स देने हैं मुझे। जस्ट देखते रहिए, मतलब ये हेयर कट इतना मस्त होने वाला है, आपको मजा आ जाएगा ये हेयर कट देख के, क्योंकि एकदम इजी है, कुछ ज्यादा करना नहीं है। मैंने गर्म एंड ठंडी हवा से बालों को ड्रायर कर रहा हूँ, एंड्स में कर्ल्स दे रहा हूँ, लेंथ के जो कर्ल्स है उसको क्लिप से टाई कर रहा हूँ। अभी मैंने बैक का बॉक्स सेक्शन लूंगा पूरा,
और फिर तीन सेक्शन, ये दो ऊपर वाले, पांच सेक्शन में ब्लो ड्राई कर देना है आपको। तो यहाँ बॉक्स के एरिया को अभी अच्छे से रूट से हम ड्राई कर रहे हैं और स्ट्रेट कर रहे हैं, दोनों तीनों तरफ से हम इनको कर लेंगे स्ट्रेट, और फिर करेंगे लेंथ को स्ट्रेट। जैसे ही लेंथ स्ट्रेट हो जाएगी फिर हम लेंगे अपना राउंड ब्रश, जो कि है छोटा वाला राउंड ब्रश, उनको अच्छे से इनवर्ड्स ड्रायर कर लेना है, स्पाइरल जिसको बोलते हैं हम, स्पाइरल ब्लो ड्राई कर रहे हैं यहाँ पे। उसका क्या बेनिफिट है, जैसे ही हम स्पाइरल ब्लो ड्राई करते हैं तो उससे जितने भी कर्ल्स हैं वो अच्छे से डिफाइन होने शुरू हो जाएंगे, आपके दिखने शुरू हो जाएंगे। दिखना बहुत जरूरी है, जो दिखेगा वही बिकेगा, राइट? तो ये चीजें जब भी आप उनको अच्छे से क्लाइंट को करके दिखाते हो, अगर उनको अच्छा दिख रहा है तो अच्छा वो बोलेंगी आपके बारे में, सबको जाके कम से कम 10 क्लाइंट को बोलेंगी, और अगर 10 में से 2 आते हैं तो वो 20 को बोलेंगे। तो इस तरीके से आपका जो क्लाइंटेज है वो बढ़ जाएगा। बट आप एक अच्छा हेयरकट, अच्छा ब्लो ड्राई करें एक राइट तरीके से, एक प्रोफेशनल वे से अगर आप करते हैं तो आई डोंट थिंक आपको कभी जरूरत पड़ेगी अपनी एडवर्टाइजमेंट करने की। बट समटाइम्स कॉम्पिटिशन होने की वजह से आई नो एडवर्टाइजमेंट भी जरूरी है, करनी पड़ती है। तो यहां पे हम कर रहे हैं क्राउन का एरिया, उसको अच्छे से कर रहे हैं स्पाइरल ब्लो ड्राई, पहले करेंगे उनको स्ट्रेट, देन उसके बाद मैं ब्रश लूंगा जो मैंने लगाया हुआ था बाकी के बालों पे, उस पर क्लिप लगाया, एंड देन क्राउन एरिया को आउट कर्ल्स स्पाइरल कर्ल्स करना स्टार्ट कर दिया। यहां पे भी मैं क्लिप लगाना स्टार्ट कर दूंगा इनके बालों पे भी। तो जैसे ही ये क्राउन के एरिया को मैं बांध के छोड़ देता हूं, फिर फ्रंट के सेक्शन ले लूंगा, उस साइड के बाल रह गए थे उनको भी स्पाइरल ब्लो ड्राई कर देना मुझे। यहां पे मैंने क्राउन वाले हेयर्स को मैं क्लिप लगा दूंगा और अदर साइड चला जाऊंगा, ये जो बाल रह गए थे इन पे भी छोटे राउंड ब्रश से मुझे स्पाइरल कर्ल्स करने हैं। देखिए बड़े ध्यान से आपको काम करना पड़ता है, जब भी कोई क्लाइंट नया आता है उसको आप इंप्रेस कैसे कर सकते हो अपने हेयर कट से, क्योंकि कभी भी क्लाइंट स्टार्टिंग से आते ही आपसे हाईलाइटिंग या कुछ और केमिकल्स नहीं करवाएगा। जब आपका काम, उसको आईब्रोज, आपका हेयर कट्स उनको पसंद आएंगे, तब वो नेक्स्ट सेक्शन के लिए जाएंगे आपके पास, स्पा में, स्पा के बाद आपके पास स्मूदनिंग, देन मे बी हाईलाइटिंग और कलरिंग। तो अगर आप ये प्लेटफॉर्म है हेयर कट जो है, आप अपने हेयर कट को अगर अच्छा दिखाते हो तो बाकी के क्लाइंट्स भी आपके पास आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये चीजें बहुत जरूरी होती है जब भी आप काम करते हो। आई थिंक अभी मैं सारे क्लिप्स को खोल देता हूं यहाँ पे ताकि आपको दिखे हमने जो हेयर कट किया है वो कैसा लग रहा है। खोलने के बाद मैं इनको सारे बालों को अच्छे से मतलब मिक्स कर दूंगा, जितने भी कर्ल्स हैं उनको मिक्स कर दूंगा। आप कॉम कर सकते हो, आप इसमें हाथ से कॉम कर सकते हो अपने फिंगर से, ताकि जितने भी कर्ल्स है वो ओपन हो जाएं, बट एकदम ओपन ना हो। आप कॉम मतलब सिंपल कॉम नहीं कर सकते, देखिए मैं अपने हाथ से कॉम कर रहा हूं। इस तरीके से क्या होता है, जितने भी बाल होंगे वो अच्छे से कर्ल्स जो है वो ओपन हो जाएंगे और अच्छे दिखेंगे। देखिए बाल कितने हैवी दिखने स्टार्ट हो गए हैं, तो बाल इस तरीके से अगर हैवी दिखेंगे तो उनको पसंद आएगा ये काम, जस्ट सी इट। अगर आपको ये हेयर कट पसंद आया तो प्लीज बेल का आइकन दबा दें, सॉरी बेल का आइकन नहीं, पहले सब्सक्राइब करें जो लोग नए देख रहे हैं, और फिर बेल का आइकन दबाएं और इस वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करें अगर आपको पसंद आया, नीचे लिख दे नाइस हेयर कट करके। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे से बात करनी है या मैसेजेस से, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा तीनों पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पे नाम है हेयर सॉल्यूशन के नाम से हमारा पेज है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। तो आज का हेयर कट था लॉन्ग स्टेप्स, तो मैं इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो भी आपको, पेज है वो भी लास्ट में दिखा दूंगा कि इस तरीके से हमारा पेज दिखता है। तो आप जाइए और हमें फॉलो करिए और हमसे बात कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। ये हमारा पेज है हेयर सॉल्यूशन वीडियोस, तो आप जाके सर्च कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।